नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। सबसे पहले कोरोना अपडेट, हेल्थ बुलेटिन। कोरोना हेल्थ बुलेटिन, उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1730 एक्टिव केसेस हैं, 1993 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 3664 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। आगरा में 22, कन्नौज में 5 नए मामले, ऐसे ही मेरठ और वाराणसी में 2-2 नए कोरोना केस सामने आए। कानपुर में भी एक नया मामला सामने आया है। सिर्फ 5 जिलों में ही प्रदेश के आधे कोरोना मामले, यूपी के सिर्फ 10 जिलों में ही 2600 मामले। तो ये कोरोना अपडेट हम आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का। 1726 एक्टिव केसेस, 1993 यानी लगभग 2000 लोग ठीक होकर घर वापस, ये बड़ी कामयाबी, बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका। 1773 एक्टिव केसेस और 1993 से ज्यादा मरीज ठीक, आपको अपडेट कर दें, 2000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। आगरा में 22 नए मरीज सामने आए और 2080 मरीज कोरोना से अब तक उत्तर प्रदेश में ठीक हो चुके हैं। कुल मामले 3664 और कोरोना की वजह से लॉकडाउन को 50 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी देश भर से मजदूरों का पलायन जारी है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सड़कों पर मजदूर अब भी पैदल सैकड़ों किलोमीटर दूर का सफर तय करते जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसों के इंतजाम के अलावा लोगों को भोजन मुहैया करवाने के लिए सख्त निर्देश दे रखे, लेकिन अब भी कई जगहों पर मजदूरों के पास मदद नहीं पहुंच रही है और वो सड़कों पर या हादसों का शिकार हो रहे हैं या भूखे प्यासे चलते चले जा रहे हैं। अपने आने वाले कल को बचाने के लिए अपने आज को ही दांव पर लगा देने की इससे दर्दनाक तस्वीरें शायद ही पहले कभी देखी होंगी आपने। पहले वायरस की दहशत से देश भर में काम धंधे पर ताले ने और अब जिंदा रहने के लिए 2 जून के निवाले ने इन मजदूरों को अपने ठिकाने की तरफ लौटने को मजबूर कर दिया है, जिसके बाद से ये मजदूर लगातार चलते चले जा रहे हैं। चार महीना का है। चार महीने का बच्चा कहाँ से आप आ रही हैं? गाजियाबाद से। जाना कहाँ है? जाना कानपुर। कहाँ जाना, कहाँ आप? हम लोग प्रतापगढ़ जाना है। हाँ, पैदल जाना, जब साधन नहीं मिल रहा है तो क्या करें हम लोग। तपती दोपहर हो, ढलती शाम हो, स्याह काली रात हो, इनके कदम रुकते ही नहीं। मर्द हो या औरत, बच्चे हो या बुजुर्ग, सब यही तय करके चले हैं कि कदम तो अब घर पहुंच कर ही रुकेंगे, चाहे चलते चलते पैरों में छाले पड़ जाए या जान ही क्यों ना चली जाए। पैदल चलने वाले मजदूर सड़क पर रौन दिए जा रहे हैं। तो पटरी का सहारा ले चल रहे मजलूमों को ट्रेन काट दे रही है। 100 किलोमीटर दूरी करना है अभी दिल्ली से बिहार पड़ता है हम लोग का घर। अच्छा जी, तो कैसे आप लोग आए हैं? सब चला के ही आ रहा हूं ऐसे ही। मजदूरों की दुर्दशा की लगातार सामने आ रही ऐसी तस्वीरों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर नए सिरे से मजदूरों को राहत देने के लिए आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यूपी में प्रवेश करते ही सबको पानी और भोजन दिया जाए। जिले के डीएम ये भी सुनिश्चित करें कि उनके जिले में कोई पैदल या बाइक से यात्रा न करे।
बल्कि उन्हें बसों के जरिए घर तक पहुंचाया जाए। सीएम ने मजदूरों की ढुलाई कर रहे ट्रक ड्राइवर्स पर भी कार्रवाई और प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए। दरअसल मजदूरों के पलायन का सबसे बड़ा केंद्र इस वक्त उत्तर प्रदेश ही बना हुआ है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से निकलकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जाने वाले मजदूर उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजर रहे हैं। यही वजह है कि मजदूरों के हादसों के शिकार होने और उनके पलायन की तस्वीरें यूपी के तमाम जिलों से सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के अलावा रास्ते में उन्हें भोजन और पानी के इंतजाम भी हो रहे हैं, लेकिन पलायन का ये सिलसिला लंबा और मजदूरों की तादाद इतनी ज्यादा है कि हर मजदूर तक राहत पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए रेलवे ट्रेनें चला रहा है। यूपी सरकार बसों का इंतजाम कर रही है, लेकिन फिर भी हजारों मजदूर अब भी दर बदर भटक रहे हैं और अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमाने लगी है। विपक्ष एक और केंद्र सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है, तो भाजपा ट्रेनों की मंजूरी के मुद्दे पर गैर भाजपा शासित राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रही है। सिर पर गृहस्थी, हाथ में बच्चे और साथ में पैदल चलता परिवार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हर जिले और शहर की सड़कों पर मजदूरों के पलायन की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। देश भर के तमाम हिस्सों से अपना काम धंधा बंद होने के बाद लाखों की तादाद में मजदूरों की घर वापसी का दौर जारी है। मजदूरों को घर ले जाने के लिए बसें और श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें तो चल रही हैं, लेकिन अब भी हजारों मजदूर भूखे प्यासे शहर दर शहर सड़कों पर पड़े हैं। केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को मजदूरों के लिए बड़े ऐलान किए गए थे। मजदूरों के लिए सरकार ने अगस्त से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना और गरीबों को सस्ते घर देने के अलावा अगले दो महीने तक मुफ्त राशन के तहत हर महीने 5 किलो गेहूं चावल और 1 किलो चना देने की घोषणा की। हालांकि ये सब जब मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल हर मजदूर सिर्फ अपने घर पहुंचना चाहता है, लेकिन मजदूरों की ये घर वापसी अब राजनीति का मुद्दा बन गई है और विपक्ष मोदी सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश से सामने आई मजदूरों के पलायन की तस्वीरों और कई जगहों पर हुई मौतों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए लिखा है, श्रमिकों को काम पर लाने के लिए तो सरकार उद्योगपतियों को पास दे रही है, पर घर लौट रहे उन बेबस मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं, जो सड़कों पर भूखे प्यासे मरने पर मजबूर। अब सब जान गए हैं कि ये सरकार अमीरों के साथ है और मजदूर, किसान, गरीब के खिलाफ है। भाजपा की कलई खुल गई। इसके पहले आगरा से सामने आई पलायन की इस दर्दनाक तस्वीर के जरिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने यूपी सरकार पर मजदूरों की बेबसी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। प्रियंका वाड्रा ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा था कि थके हुए कदमों से किसका भविष्य खींचा जा रहा है, यूपी रोडवेज की बीसियों हजार बसें किस दिन के लिए हैं? यदि हम विपदा के मारे इन हिंदुस्तानियों को घर भी नहीं ले जा सकते, आपके भाषणों से, पैकेजों से इनका भरोसा टूट चुका है। ये कदम अब अपने गांव पहुंचकर ही रुकेंगे, इन्हें घर पहुंचाइए। लेकिन भाजपा विपक्ष पर मजदूरों के मुद्दे पर राजनीति का आरोप लगा रही है। भाजपा ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ने ट्रेनें तैयार कर दी हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो मजदूरों को वापस नहीं बुला रहे हैं, जिसके चलते आज मजदूरों की ऐसी दुर्दशा हो रही है।
आपको आज बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लगभग ओरिजिनेटिंग जो परमिशन होता है ओरिजिनेटिंग स्टेट्स का, ओरिजिनेटिंग स्टेट्स तो परमिशन दे रहे हैं किंतु रिसीव करने वाले स्टेट्स, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जिनका मैं उदाहरण दूंगा, अभी संख्या के साथ दूंगा, वो परमिशन नहीं दे रहे। भाजपा का कहना है कि जिन राज्यों में मजदूर फंसे हैं वहां की सरकारें तो ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस और गैर भाजपा शासित राज्य ट्रेनों को अपने राज्य में प्रवेश की मंजूरी नहीं दे रहे, जिसकी वजह से मजदूरों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अपने इस दावे को लेकर भाजपा ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक योगी सरकार ने सबसे ज्यादा 487 ट्रेनों को प्रदेश में प्रवेश की मंजूरी दी है, जबकि नीतीश सरकार ने 254 ट्रेनों को बिहार में एंट्री की इजाजत दी है। लेकिन ममता सरकार ने अब तक सिर्फ 9 ट्रेनों को और छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 ट्रेनों को राज्य में प्रवेश की मंजूरी दी है। यही हाल झारखंड का भी है, जहां सिर्फ 48 ट्रेनों को प्रवेश की मंजूरी दी गई है। लेकिन यूपी की सड़कों पर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर रहे ऐसे हजारों मजदूरों की देखरेख के लिए अब हाई कोर्ट ने यूपी में दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूरों की देखरेख के लिए हर 400 मजदूरों पर एक अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए, ताकि इस भीषण संकट काल में सड़कों पर पड़े इन हजारों बेसहारा लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए, तो क्या तस्वीर बदली है जमीन पर? आइए जान लेते हैं। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। अनुभव, आज दिन भर आपने क्या देखा, इन प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ नहीं हुआ, जमीन पर क्या स्थिति थी? देखिए राजन, बिल्कुल लगातार प्रवासी मजदूरों का जो पलायन है वो जारी है और एबीपी गंगा ने लगातार ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, अधिकारियों के साथ जब बैठक कर रहे थे तो साफ तौर पर कहा कि जो भी मजदूर सड़क पर चल रहे हैं पैदल ना चलें, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि अब हर थाने में, हर ज़िले में जो थाने हैं अलग अलग, वहाँ पर एक विशेष दल बनाया जाए, एक विशेष टीम गठित की जाए, जो ये जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से, इनकी निगरानी करेगी, इनको तमाम तरह की जो सुविधाएं, चाहे खाने की बात करें चाहे पानी की बात करें, वो इंतजाम करेगी। और देखिए, इससे पहले लगातार मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि ये जो श्रमिक आ रहे हैं सम्मानजनक तरीके से हम उनको उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं और सरकार उनकी सम्मानजनक वापसी के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। आप ये सोचिए राजेंद्र, 1 मार्च से लेकर अब तक तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर जो है वो आ चुके हैं इस उत्तर प्रदेश में। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, 380 से ज़्यादा ट्रेनें अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश पहुँची हैं, यानी अगर पूरे देश में ट्रेनों से श्रमिक कहीं सबसे ज्यादा पहुंचे हैं तो उत्तर प्रदेश है। 460,000 के आसपास तो श्रमिक केवल ट्रेनों से उत्तर प्रदेश आए हैं। और सरकार जो लोग जहां पर भी पहुंचते हैं, या लखनऊ आए, कानपुर आए, आगरा आए, उनके लिए बसें हैं, 10,000 से ज्यादा बसें लगाएंगे, फ्री में है, उनसे भी किराया नहीं लिया जाता। अनुभव, शासन के निर्देश में बहुत साफ है, मुख्यमंत्री रोज निर्देश देते हैं, ये हम देखते हैं, रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें रोज ये बताया जाता है कि मुख्यमंत्री बहुत दुखी है इस बात से कि लोग पैदल आ रहे हैं, किसी को पैदल ना जाने देने के लिए वो निर्देश देते हैं, उसके बाद भी ये सब हो रहा है। तो क्या जमीन पर अफसर ढिलाई कर रहे हैं, वो शासन की बात नहीं मान रहे? बिल्कुल राजन, जो बात आपने कही, देखिए ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं कमी है, जमीन पर जिनको इम्प्लीमेंट कराना है वहाँ पर कहीं ना कहीं लैकिंग है। क्योंकि जब हम गए कानपुर टोल तक, जब हम गए तो हमने ये देखा, सरकार ने ये कहा है कि सबकी जांच हो, पर हमने क्या तस्वीरें देखी, हमने तो ये देखा कि लोग ट्रकों में बस भरे चले आ रहे हैं और अलग अलग ट्रॉले में भरे चले आ रहे हैं, और वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो उनसे पूछ सके कहाँ से आ रहा है, बस खाना पूर्ति हो रही है कि खाली नाम या गाड़ी नंबर लिख लिया जा रहा है। तो जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना है इन सारी चीज़ों को, इन सारी योजनाओं को, कमी कहीं ना कहीं वहाँ है। मंत्री बार बार चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बार बार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के हर कोने से आ रही है। और जाहिर सी बात है कि जब जो निर्देश ऊपर से मिल रहे हैं अगर उसे उसी ढंग से केवल फॉलो कर लिया जाए तो शायद मजदूरों को भी उतनी समस्या, उतनी दिक्कतें ना आए। बिल्कुल अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। और
अफसर जिस तरीके से जमीन पर शासन के निर्देशों के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दिए, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे रात 8 बजे राजनीति में। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम ब्रेक लेंगे लेकिन ना एक खबर हमारे पास कानपुर से है, एक शर्मनाक तस्वीर है, पहले आपको वो दिखाते हैं। जब एक परिवार लुधियाना से पैदल चलकर कानपुर पहुंचा, परिवार पिछले 15 दिनों से अपने बच्चे को कंधे पर लादकर लगातार चलता आ रहा था और इस परिवार को अभी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाना है, जबकि इतने लंबे रास्ते पर लगातार चलने के बाद भी किसी की नजर इस परिवार पर नहीं पड़ी। और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि सीएम योगी के तमाम निर्देशों के बावजूद आखिर अफसरशाही क्यों मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर रही। तस्वीर देखिए आप, शर्मनाक तस्वीर, मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर। ये देखिए कैसे, किस तरीके से लोग मजदूर घर वापस लौट रहे हैं। कानपुर की तस्वीर है, कानपुर से पलायन की शर्मनाक तस्वीर, वहां की ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठा रही है, कानपुर के अफसरों पर यह सवाल है। ये देखिए, और कैमरा देखकर ये पुलिस अफसर आए। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? लुधियाने से। लुधियाने से आ रहे हो, कितना पैदल ही चल के आ रहे हो? वैसे चल के आ रहे हैं। अच्छा, कोई मदद नहीं मिल रही? मदद नहीं, थोड़ा बहुत बैठाए हैं बस, मान लेके 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अभी कहाँ पहुँच गए हो? अभी कानपुर का। कानपुर में हो? कितने दिन से चल रहे हो? 15 दिन हो गए। क्या नाम है? अच्छा, मेरा नाम राजकुमार। और इसको, लड़के को क्या हो गया? बच्चे को? बच्चे को गर्दन टूट गया। गर्दन कैसे टूट गया? गर्दन अच्छा, तो इसको लेकर के कितने लोग हो आप लोग? कम से कम 18 आदमी। अच्छा, कहाँ जाना है अभी आपको? हमको सिंगरौली जिला जाना है। सिंगरौली जिला जाना है, मध्य प्रदेश। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ से चलते चलते? औरैया से खबर है, आज एक का युवक के हाई टेंशन टावर पर चढ़ने की वजह से हंगामा मच गया। मामला औरैया के विधुना कोतवाली का है, जहां पर एक शख्स ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से जमीन का मुआवजा न मिलने पर नाराज होकर हाई टेंशन टावर पर जा चढ़ा। युवक के टावर पर चढ़ने की खबर से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। इसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पुलिस को बुला लिया और बाद में बहुत समझाने पर युवक टावर से नीचे उतरा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीत कुमार सिंह है। किस पोस्ट पे हैं आप? डिप्टी मैनेजर, घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड। अच्छा, जो आज इस बच्चे ने ऊपर जो है उस पर चढ़ गया था, जो हाई टेंशन लाइन वाले जो पोल बन रहे हैं, क्या वजह रही थी? वही मुआवजे के लिए है। तो अभी तक उसका मुआवजा क्यों नहीं दिलाया गया? सर, आपको बताया अभी मैंने, क्या रहा है पूरा कारण, मतलब इस मुआवजा अभी तक क्यों नहीं मिल पाया था? सर, मैंने अभी आपको बताया। आप बता दीजिए, आप दोबारा बता दीजिए उस चीज़ को। लॉकडाउन की वजह से जो भी पेपर गया हुआ है, कोरियर सर्विसेज बंद है, आपको मालूम ही है कोरियर सर्विसेज बंद है। इनका मुआवजा बना हुआ है, DD बन चुकी है, सिर्फ कोरियर के थ्रू आनी थी हमारे पास, वो भी नहीं आई। कितना मुआवजा बन रहा था इनका? जो भी नुकसान हुआ था उसके हिसाब से 14,383 रुपये इनका बन रहा था, और इनके जो सह खातेदार हैं उनका करीब लमसम 12,000 या 13,000 रुपये बन रहा था। करीब एक लट्ठे पे इनका 30,000 या 35,000 रुपये सिर्फ फाउंडेशन वर्क का बना है, 30,000 के लमसम। अच्छा, आपके द्वारा एक चेक दिया गया तो वो भी बाउंस हुआ है? क्या बाउंस नहीं हुआ है, पोस्ट डेटेड चेक है, 6 जून की है। 6 जून के है ना चेक। अच्छा, इतनी लंबी डेट क्यों डाल के दी? तो में हाई टेंशन ड्रामा आपने देखा, कैसे टावर पर चढ़ गए, औरैया में ये सब कुछ हुआ। औरैया की तस्वीर आप देखिए, कितना ऊपर तक पहुंच गया ये व्यक्ति, हाई टेंशन टावर पर चढ़ा युवक, मुआवजा न मिलने से नाराज, इस तरीके से उसने अपनी नाराजगी जाहिर की औरैया में, हाई टेंशन टावर के बहुत ऊपर तक पहुंच गया। देखिए, और एक बड़ी खबर मेरठ से इस वक्त हमारे पास है, कोरोना के 6 नए मामले वहां पर सामने आए हैं, एक ही परिवार के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर, मेरठ में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, एक ही परिवार के 6 सदस्य कोरोना से संक्रमित, मेरठ में चिंताजनक बात। 6 नए मामले मेरठ में, एक ही परिवार के। मेरठ में ग्राफ कोरोना का लगातार ऊपर जाता हुआ। बलराम पांडे हमारे साथ। बलराम, इस परिवार में जहां पे सभी लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, इस परिवार के बारे में बताइए। जी देखिए राजेंद्र, आज 8 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं मेरठ में, और आंकड़ा बढ़ करके अब 294 पहुंच गया है, यानी 300 के पास
यानी एकदम करीब है, और जो ये 6 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं, एक बुजुर्ग महिला जागृति बिहार की थी जो पॉजिटिव पाई गई, उसके बाद उसके परिवार के 6 सदस्यों को क्वारंटीन किया गया था और आज उन 6 सदस्यों की रिपोर्ट आई है और सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। यही वजह है कि आंकड़ा अचानक से ये बढ़ा है और 6 जगह टोटल 8 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से एक टेलीफोन एक्सचेंज के सामने गली नंबर 2 में रहता था तारापुरी में, उसका भी पॉजिटिव आया है। इसके अलावा एक और सदस्य पॉजिटिव पाया गया, यानी कुल मिलाकर के टोटल 8 पॉजिटिव सदस्य पाए गए हैं, और कुल मिला के अगर बात की जाए जो मौत का आंकड़ा है वो 17 है, और जो मरीज ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं उनका आंकड़ा 95 पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उनको लेकर के प्रशासन भी चिंतित है, और यही वजह है कि अब सप्ताह में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन का प्लान किया है जिला प्रशासन ने, सोमवार और बृहस्पतिवार, ताकि जो कोरोना की चैन है उसको तोड़ा जा सके और जल्द से जल्द इन बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश लगाया जा सके। शुक्रिया आपका बलराम। मेरठ में कुल 8 पॉजिटिव मामले आज, और उनमें से 6 एक ही परिवार। बड़ी खबर मेरठ से, 2 दिन हफ्ते में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट के बीच स्कूलों के फीस वसूलने के खिलाफ याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। इस याचिका में स्कूलों की तरफ से बढ़ाई गई फीस वापस लेने के अलावा फीस जमा करने के लिए अभिभावकों को और वक्त देने की मांग की गई। याचिका में कोरोना संकट का हवाला देते हुए कहा गया है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों का कामकाज प्रभावित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार के निर्देश को दरकिनार करते हुए स्कूल लगातार अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए संदेश भेज रहे हैं और फीस जमा करने का दबाव भी बना रहे। कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की बंदिशों के मुश्किल वक्त में उत्तर प्रदेश के कुछ स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूले जाने और फीस को लेकर अभिभावकों पर दबाव डाले जाने का मामला अब अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 वकीलों ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और अदालत से दखल दिए जाने की मांग की है। वकीलों की तरफ से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि कोरोना की महामारी के दौर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तमाम लोगों का रोजगार पिछले 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है, लोगों की आमदनी का कोई जरिया नहीं रह गया है, और सरकार के दिशा निर्देश के बावजूद, सरकार की अपील के बावजूद तमाम स्कूल न सिर्फ मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं बल्कि जल्द से जल्द फीस जमा करने को लेकर दबाव भी बना रहे हैं। उनके पास लगातार मैसेज भेजा जा रहा है और ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर वक्त रहते फीस जमा नहीं की गई तो बच्चे का नाम काट दिया जाएगा। एक स्कूल से आए इसी तरह के मैसेज को अर्जी के साथ लगाया भी गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, लेकिन इस मामले में सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। इससे पहले उत्तराखंड में भी इसी तरह का एक मामला आया था जो हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अगले हफ्ते